नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ छपाक मूवी में काम की हुई हैं पायल कपूर नायर। आज इनका इंटरव्यू है, इनसे जानेंगे छपाक मूवी में कैसा रोल था और इनसे जुड़ी जीवन से संघर्ष और बहुत सारी बातें होगी। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू मैम। थैंक यू सो मच। छपाक मूवी में आपने काम किया जी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी उसको मिल रहा है, किरदार भी आपका काफ़ी अच्छा इसमें रहा, मैंने देखी है इसमें। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? छपाक के लिए मैंने मतलब मैंने ऑडिशन किया था शिराज के रोल के लिए, और मेघना मैम को बहुत पसंद आया था और मुझे ब्रीफ दिया गया था पहले। फिर मेरी मेघना मैम से मीटिंग भी हुई थी, तो उन्होंने थोड़ी बहुत मेरे साथ बैठ के रीडिंग की, और एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है छपाक की, जब से कास्टिंग से लेकर फिल्म के ख़त्म होने तक और अभी तक जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। और मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी इस चीज़ का ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि इस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फिल्म बहुत अच्छी बन रही थी, हमें खुद भी ये एहसास हो ही जाता है जब आप फिल्म कर रहे हैं। ऑफकोर्स मेघना गुलजार बना रही हैं और दीपिका पादुकोण है उसमें, और स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है अतिका चौहान की लिखी हुई, तो ये तो मुझे कहीं ना कहीं था कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मेरे करियर के लिए, बहुत ही लैंडमार्क और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो होगा। लेकिन जो जिस तरह का रिस्पॉन्स शिराज को मिला है विच इज़ वेरी अमेजिंग, और सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। मैंने तो ये मूवी देखी है, काफ़ी अच्छा इनका रोल रहा है इस मूवी में, लेकिन हम खुद जानेंगे इनसे कि किस तरह का रोल है, आप खुद बताए। शिराज जमशेद जी जो हैं वो छपाक में एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि आत्मनिर्भर और एक तरह से ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट भी हैं, जिनके घर पर मालती जो प्रोटैगनिस्ट है जिसका रोल दीपिका पादुकोण ने किया है, उनके फादर काम करते हैं बतौर कुक। और एक तरह से इस औरत के लिए वो बहुत ये उनकी जो ये फैमिली है दीपिका पादुकोण की, मालती की जो फैमिली है वो बहुत ही क्लोज है, तो जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है आर्थिक मानसिक या जिस तरह का एसिड अटैक उन पर होता है मालती पर, तो वो एक अपनी तरह से वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि उसका किस तरह से इलाज हो, उसके जितना भी लीगल बैटल्स का जो कोर्ट वगैरह का जो खर्चा है वो शिराज अपने ऊपर लें, तो एक तरह से वो उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, एज अ गाइडेंस कह सकते हैं, एज अ वो हैं जो अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी रिहैबिलिटेशन की है मालती की वो सारी लेती हैं। फिल्म में आपकी किस तरह के किरदार, तो आपने बताया आपको काम करके किस तरह क्या लगा, आपको कितना क्या फील हुआ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मेघना गुलजार तो खैर बहुत ही कमाल की डायरेक्टर हैं, और वो उनके लिए पूरी कास्ट एक बराबर है, और जो प्यार और जो जिस यू नो सेंसिटिविटी से वो एक पूरी उसको लेके चलती हैं, पूरे कास्ट को लेके चलती हैं, वो बहुत ही अमेजिंग है। कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रहे हैं जबकि वो इतनी बड़ी स्टार है, बिकॉज हमने जब पहली बार दीपिका पादुकोण को उस मेकअप में देखा, प्रोस्थेटिक में देखा, तो हमें लगा कि हम मालती के साथ काम कर रहे हैं, हम लक्ष्मी के साथ काम कर रहे हैं जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, और हम सब खुद रोल में इतने ज़्यादा, हमारी रीडिंग्स भी काफ़ी सारी हुई थी, हम लोग सब इतना प्रिपेयर्ड सेट पे गए थे कि मतलब हमें लग ही नहीं रहा था कि हम एक मतलब कि यू नो कोई ऐसा उसमें कर रहे हैं कि मतलब एक वाव फैक्टर है या है, हम इतनी अच्छी, इतनी बारीकी से, इतनी सेंसिटिविटी से उस सब्जेक्ट को जो संभाला गया है, और जो सेट पर एक तरह का माहौल था वो बहुत ही अच्छा था, पूरी कास्ट एंड क्रू वॉज फैबुलस, एंड आई थिंक इसका सबसे ज़्यादा श्रेय और जो क्रेडिट जाता है वो हमारी डायरेक्टर मेघना मैम को ही जाता है, क्योंकि जिस तरह की वो हैं, इंसान है एक तो बहुत ही अच्छी इंसान है, दूसरी कमाल की डायरेक्टर और राइटर है, तो जिस तरह से उन्होंने पूरे उसको संभाला विच वॉज फैबुलस। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो गुलजार साहब ने लिखा है और शंकर महादेवन साहब ने इसको दिया है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। गुलजार साहब के सफारे में क्या कहना है, जब मैं पहली बार उनसे रीडिंग के टाइम पर मिली थी, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मतलब मैं उनके पैर पढूं, उनसे बातें करूं, क्या करूं। खैर लेकिन वो माहौल उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट था, हम लोग रीडिंग के लिए मिले थे। छपाक जो टाइटल ट्रैक है जो कि फिल्म से हफ्ता भर पहले ही रिलीज़ हुआ था, वो कमाल का है और आपने सुना ही होगा, वो एक सिर्फ एक गाना नहीं है, वो एक पूरा एक वो पूरी फीलिंग्स हैं, वो एक इंसान, और वो ऐसा आपको झंझोर देता है वो गाना, एक तो लिखा हुआ
बहुत ही कमाल का है. दूसरा शंकर एहसान लॉय का म्यूज़िक जो है, मतलब वो आपको एक तरह से हॉन्ट करता है. और वो गाना, जबकि मैंने भी सुना है और मैं तो फिल्म की हिस्सा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो आपके दिमाग में ऐसे लूप की तरह चलता रहता है. आप उसको मतलब आप भूल नहीं सकते. और जिस तरह से वो फिल्म में आता है स्ट्रेटेजिक मोमेंट्स और पॉइंट्स में, विच इज़ अमेजिंग. तो मतलब कहते हैं कि जो म्यूज़िक एक सीन को या किसी फिल्म को एक उठा देता है, वो बात है उस गाने में, छपाक के गाने. उस गाने को सुनकर मतलब कितना एनर्जी आती है या फिर लगता है भावुक? बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिरिक्स ही इतने कमाल के हैं. आप उनसे रिलेट करते हैं और आपको लगता है कि मतलब एक एसिड अटैक सर्वाइवर की जो ज़िंदगी और उसकी जो भावनाएं हैं, वो एक तरह से उसमें पूरी पोर कर दी गई हैं और निचोड़ के रख दिया है वो. और इतना ज़्यादा भावुक है वो गाना कि आपको फील करते हैं, उसके लिरिक्स इतने कमाल के हैं कि एक छींटे उड़ा के पहचान ले गया, मतलब इट मूव्स यू सो मच. फिल्म की कास्टिंग की बात करें जी, तो कास्टिंग तो जैसा कि मैंने देखा है काफ़ी बेहतरीन है. आप कुछ बताना चाहें इस पर? फिल्म की कास्टिंग गौतम जी ने की है और बहुत ही अच्छे बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो. मैंने उनके साथ वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में भी काम किया था, उन्होंने मुझे उसमें भी कास्ट किया था. सो इसके लिए जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैं गई, ऑडिशन किया. और एक कहना चाहिए ना कि एक एक्टर के लिए क्या ज़रूरी है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर आपको याद रखे. इतने सारे एक्टर्स हैं मुंबई में इस वक्त, एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस वाली बात है ना, कि उनके दिमाग में आया कि हाँ कि ये इस कैरेक्टर के लिए ये एक्टर सूट करेगा. फिर बाकी तो आपके ऊपर है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं ऑडिशन पे और क्या है. और मेरे अलावा जितने भी एक्टर्स हैं उस फिल्म में, सब कोई ना कोई थिएटर बैकग्राउंड से हैं एंड दे आर फैबुलस एक्टर्स. बहुत मज़ा आया मुझे काम करके. और सबको एक होती है ना, एक भूख होती है कि अपने को प्रूव करे, इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म मिली है. और आप अगर देखेंगे तो मिला जुला के इस फिल्म की कास्ट बहुत बड़ी है. अगर आप देखें एक एक डायलॉग के भी अगर कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए भी मेघना मैम बहुत पर्टिकुलर होती है. तो सबकी कास्टिंग की गई थी और एक एक रोल के लिए मेघना मैम ने खुद अप्रूव किया था. सो दैट हाउ दैट फॉर हर इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू कास्ट समबडी हु फिट्स द रोल लुक वाइज ऑल्सो एंड ऑफकोर्स परफॉर्मेंस वाइज. सो मेरे ख्याल से कहीं भी जब मैं फिल्म एज एन ऑडियंस भी देखती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक भी एक्टर इधर से उधर हुआ है या फिट नहीं कर रहा है. सो आई थिंक दैट फॉर दैट द क्रेडिट गोज टू द कास्टिंग डायरेक्टर एंड ऑफकोर्स द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. शूटिंग के दौरान ऐसा कोई मोमेंट आया हो जो आप लोग काफ़ी भावुक हो गए हो या फिर मन की मतलब बैठ गए हो छोड़ छाड़ के? ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स थे, क्योंकि फिल्म खुद ही इतनी ज़्यादा इंटेंस है. हर सीन जो है वो उसमें इतनी ज़्यादा मतलब सेंसिटिविटी है और इतना इमोशनल करने वाला सीन है. छोड़ छाड़ के तो नहीं बैठे, बट हाँ वो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान आप उस इमोशन से गुजरते हैं, चाहे आपने कितनी बार भी वो सीन पढ़ा हो. लेकिन जब आप सेट पे जाते हैं और बाकी एक्टर्स के साथ आप जब रिहर्सल करते हैं, तो जो चीज़ निकल के आती है वो बिल्कुल ही अलग होती है. और वो आपको, उसके लिए आप कभी प्रिपेयर नहीं हो सकते. तो जो सीन है जिसमें मालती दीपिका पादुकोण बिस्तर पे लेटी हुई हैं निराश हताश, और मेरा कैरेक्टर शिराज और लॉयर जो है वो उनको जागते हैं, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं कि भाई उठो लड़ो, अब लड़ना है. वो एक बहुत ही भावुक सीन था जिसमें इतना कुछ कहने के लिए नहीं था, लेकिन जिस तरह से मेघना मैम ने उसको डायरेक्ट किया, कंसीव किया, देखा, तो हम सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे. और जबकि और बड़ा डिफ़िकल्ट था उस समय अपने आंसुओं को रोकने का. जबकि इसमें कहीं पर भी अगर आपने देखा हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मालती को छोड़ के हम सब कोई रो रहे हैं, क्योंकि अगर हम ही रो पड़ेंगे तो फिर वो पूरा मुद्दा ही चला जाएगा कि हम उसको वहाँ पर एक प्रोत्साहन देने, उसको एक हिम्मत देने के लिए आए और हम खुद ही रो लें. सो वो सीन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत डिफ़िकल्ट था. जाके इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइट बैक योर टीयर्स, बट एट द सेम टाइम आप वो नहीं कर सकते. तो फिर हम लोग और ऑफ कोर्स मेघना मैम तो जब मॉनिटर में बैठ के वो डायरेक्ट कर रही थी सीन, तो वो खुद भी बहुत रो रही थी. सो उनसे ही पता लग रहा था कि आप चाहे सीन में हैं और आपको वो हिम्मत देनी है, लेकिन वो ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा उस सीन को देखकर, तो वो हमें वहाँ पर पता लग रहा था. फिल्म में ऐसा कोई मोमेंट हो जो लगा हो कि अगर ये नहीं होता तो फिल्म नहीं बनी होती? ऐसा फिल्म नहीं बनी होती, जैसा कि आप लोगों ने जैसा कि सपोर्ट किया है लक्ष्मी को उस फिल्म में जैसे दिखाया गया और रियल लाइफ में भी, तो मुझे लगता है अगर वो सपोर्ट नहीं मिला होता तो आज फिल्म नहीं बनी होती.
हाँ देखिए, हाँ मतलब ये पूरी फिल्म जो है ये लक्ष्मी अग्रवाल की ज़िंदगी पर आधारित है, उनसे इंस्पायर्ड है. और ये बात तो सच है कि कोई भी इंसान अगर ऐसे दर्दनाक हादसे से गुजरता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको आसपास के लोग उसको ऐसा सपोर्ट देते हैं कि जिससे उसकी जो एक बैटल है, जो उसकी एक फ़ाइट है, वो और मज़बूत हो जाती है. और ये सिर्फ और ख़ास तौर से एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए तो मैं ये कहूँगी कि एसिड चाहे उन पे फेंका गया हो लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है उसकी बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी होता है. उन्हें भी उतना ही दर्द महसूस होता है, उन्हें भी उसी यू नो जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है जो कि एक सर्वाइवर को गुजरना पड़ता है. लेकिन उस फाइट में जब आपको लगता है कि आप अकेले हो और कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जो आपको ना ही सिर्फ हिम्मत देते हैं, आपको फाइट बैक करने के लिए हिम्मत देते हैं, फिनेंशियल और मेडिकल एड पहुंचाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है किसी के लिए भी. मतलब एक और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उन्हें दे रहे हैं बल्कि उनको खुद लगता है कि इस चीज़ से जुड़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है. एक तरह से उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, खुदा ना खासा किसी के भी साथ हो, तो आप उनकी आगे बढ़ के मदद करें जिस तरीके की भी मदद आप कर सकते हैं. वो आर्थिक हो सकती है, वो फिजिकली आप उनके सपोर्ट में खड़े रह सकते हैं, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि फिल्म में दिखाया गया पटना में, यूपी में बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिस पे एसिड फेंका गया है, उनको मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आगे नहीं आए, इनको मदद करने के लिए आगे आए. हाँ तो ये फॉर्चुनेट है लक्ष्मी अग्रवाल, उस तरह से देखा जाए दैट शी वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जो जुड़े, उसके बाद भी जुड़े. और सिर्फ हम शिराज या जो लॉयर उनकी बात क्यों करें, हम अमोल की भी बात करते हैं जो कि एक एनजीओ चलाते हैं. जब लक्ष्मी वहाँ पे जाके, मतलब जब मालती का कैरेक्टर जाके वहाँ पे काम करता है, उस चीज़ से भी उनको बहुत सारी उम्मीद और मिलती है. और जब वो अपने अलावा इतनी सारी और लड़कियों के साथ जो ऐसा हादसा हुआ है वो देखती है तो उससे भी हिम्मत आती है. क्योंकि मुझे इस मदद से, हेल्प से के लिहाज से देखोगे मैं, तो मुझे लगा कि फिल्म में आपका काफ़ी अच्छा किरदार है. अगर ये जो आपका किरदार है बहुत अहम है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद थोड़ी सी मुश्किल होती है. ऐसा तो क्योंकि कोर्ट में भी उनको पिटीशन दायर करना, उनको हेल्प करना. जी सो मतलब ये जितने भी कैरेक्टर्स फिल्म में हैं वो सारे रियल लाइफ पर ही हैं, जो कि लिविंग कैरेक्टर्स ही हैं. तो उस हिसाब से हाँ बहुत ज़रूरी है, मतलब कि लोग खड़े हुए, और अच्छे लोग होते हैं असल ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है. जब भी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है या कोई ना कोई किसी भी रूप में आकर उनकी मदद करता है, जो कि करना चाहिए, तो शायद वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि उससे ना ही सिर्फ जो सर्वाइवर है उसकी फ़ाइट जो है आसान हो जाती है, बट एक तरह से बाकी लोगों को भी ये सबक मिलता है कि आपको भी आगे बढ़कर किसी ऐसे, अगर किसी ऐसे इंसान के साथ ही ऐसा हादसा हुआ है तो आपको मदद करनी चाहिए. आपने टीवी में भी काम किया है, आपकी फर्स्ट फिल्म आई थी सॉरी भाई. फिल्म नहीं थी, मेरी फर्स्ट फिल्म थी जंगल. अच्छा जंगल थी, सॉरी भाई. तो जंगल और सॉरी भाई के बारे में कुछ बताइए. जब मैं मुंबई आई थी 2000 में, तो सबसे पहले मैंने जंगल ही फिल्म की थी. मैं दिल्ली थिएटर से हूँ, बहुत सारा थिएटर किया है दिल्ली में, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम से अमाल अलाना है, बैरी जॉन के ग्रुप में से लोग हैं. मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जंगल मिलेगी. और वो भी यही हुआ कि जो वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो कास्टिंग तब कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने ऑडिशन किया और आई वॉज ऑन फॉर द प्रोजेक्ट. सो अगेन जंगल वॉज, आई मीन राम गोपाल वर्मा बहुत ही नामचीन डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया. अगेन वो बाकी भी सी थैंकफुली जितने भी मैंने फिल्म्स की हैं मोर ऑर लेस, उसमें जो ऑनसेंबल कास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होती है. और तो वो भी जर्नी बहुत अच्छी थी. हमने मुंबई से बाहर जाकर बांदीपुर जंगल मैसूर में है, जो कि वीरप्पन पे फिल्म बेस्ड थी, वहाँ शूट की थी. तो बाकी सारे एक्टर्स, को एक्टर्स, और जो राम गोपाल वर्मा का जो एक तरीका है, जो उनका एक स्टाइल है डायरेक्शन का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग. और मज़े की बात तो ये है कि फिल्म में अगर आपको याद हो तो उस फिल्म में एज अ मतलब जो टूरिस्ट हैं उनको जब किडनैप किया जाता है, उसमें से अगर किसी को मारा जाता है एज अ कैरेक्टर, तो वो मेरा ही कैरेक्टर होता है, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग अ सरदारनी कपल जो कि छुट्टी पे गए हुए हैं. वो चीज़ पहले से डिसाइडेड नहीं थी, वो रामू जी ने उसी समय डिसाइड की थी कि भाई ऐसे ऐसे है कि अगर एक फीमेल को हम मारेंगे तो एक
उसका इम्पैक्ट जो स्क्रीन पे आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा. सो दैट वॉज डिसाइडेड देयर एंड देन. सो आई वॉज ऑल्सो वेरी अमेज्ड के अच्छा सडनली ये हो गया, बिकॉज आप नए नए मुंबई आए हो, आपको तब स्क्रिप्ट भी नहीं दी जाती थी, आपको बताया गया था बस ये रोल है और बहुत सारी ऑनसेंबल कास्ट है. तो फॉर मी इट वॉज़ वेरी अमेजिंग, क्योंकि उस चीज़ से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा माइलेज मिली और लोगों ने जब देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ वी सॉ यू के आपका गला कटता है जंगल में और जो है. सो दैट वाज आल्सो अमेजिंग. जैसा कि आपने बताया कि आप दिल्ली से हैं, वहाँ से थिएटर किया और मुंबई फिर आया, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ पे आकर? थैंकफुली स्ट्रगल तो नहीं ऐसा करना पड़ा, मतलब मैं सोच के आई थी बॉम्बे में कि मुझे अच्छा काम करना है, अच्छे रोल्स करने हैं. मेरा कोई ऐसा इल्यूजन नहीं था कि मुझे सिर्फ हीरोइन बनना है या सेकंड लीड्स करना है या ये लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करना है. हाँ, थोड़े बहुत नाम लेके मैं आई थी क्योंकि मैं टेलीविज़न भी देखती थी तब, फिल्में भी जैसी चल रही थी, तो मैं लोगों से जाके मिली, थोड़े बहुत जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स उस वक्त थे और मिली, और ऐसा नहीं था. फिर ऑडिशंस का मौका आता था, फिर आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं और आप अपने आप को कैसे प्रूव करते हैं, और ऑफ कोर्स आपका ये भी है कि आप लुक में फिट हो रहे हैं या नहीं, फिर तो ये आपकी जर्नी है. बट थैंकफुली ऐसे स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, एक के बाद एक रोल मिलते गए. हाँ, एक ड्राई पैच भी आता है आई थिंक हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, जहाँ आपको लगता है कि काम नहीं मिल रहा है आपको और आप क्या हैं. सो उस वक्त मैंने थिएटर किया जो कि मेरा एक फाउंडेशन था और बैकग्राउंड था कि लेकिन एज एन एक्टर मैंने हमेशा ये सोचा था कि मेरे को बिज़ी रखना है ख़ुद को. अगर फिल्म और टेलीविज़न में काम इतना नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मैं अपना तीसरा क्रिएटिव आउटलेट क्या है मेरा, वो है थिएटर, रंगमंच. तो मैंने यहाँ पर भी आकर दिनेश ठाकुर हैं थे जो कि अंक के डायरेक्टर थे, उनके साथ काम किया मैंने, महाबानो मोदी कोतवाल के साथ काम किया मैंने, और भी बहुत अच्छे अच्छे थिएटर डायरेक्टर्स के साथ काम किया. तो मैंने उस तरह से खुद को बिज़ी रखा कि यह है कि आपकी जो कला है और आपकी जो स्किल्स हैं वो आप लगातार आप उसको होन करते रहें. कब सोची आप कि मुझे एक्टिंग में जाना है? हाँ, वेल एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मेरे नाना जो हैं वो बचपन में जब भी मैं कभी रोती थी या जो भी कभी यू नो टैंट्रम थ्रो करती थी, तो कहते थे ये लड़की नौटंकी है पूरी. तो मेरे ख्याल से शायद उनको शायद पता लग गया था कि ये एक्टर ही बनेगी. स्टेज मैंने बचपन से ही किया है, स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे नाटक किए, स्कूल में बल्कि नाटक डायरेक्ट भी किया मैंने और जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था. सो एक तरह से जो आपका एक्टिंग की तरह रुझान था वो शायद शुरू से ही हो गया था, बिकॉज़ मैं क्रिएटिव लाइन में ही जाना चाहती थी. और बट दिल्ली में रह के मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मुंबई आकर उसको एज अ फुल फ्लेज करियर लूँगी. मैं एज अ मैंने मास कम्युनिकेशंस का कोर्स किया था, तो मैंने सोचा था कि मैं किसी अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपी राइटिंग करती रहूँगी और साइड में थिएटर करती रहूँगी, सो वो चलता रहेगा, क्योंकि पता था कि थिएटर से पैसा तो इतना आता नहीं है. लेकिन उसी दौरान मुझे एंकरिंग का मौका मिला जी टीवी पर, और उसके बाद फिर मैंने रेडियो में काम किया बतौर आरजे दिल्ली में, ऑल इंडिया रेडियो में. उसके बाद मैंने लाइव शोज़ किए. सो ऐसे ऐसे सिलसिला अपने आप ही चलता गया कि मेरे पास काम आता गया, थिएटर में कर ही रही थी साथ में. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर और इसमें ही मुझे मज़ा आ रहा है, इसमें ही है, मैंने कहा अगर यही करना है, यही इसी में आपको मज़ा आ रहा है, तो फिर आप इसी को एज अ पैशन को ही आप अपना करियर बनाओ ना. फिर आपको ये क्यों सोचना कि आप नौकरी करोगे और उसके साथ ये करोगे. सो तभी ये डिसाइड कर लिया था कि आई विल मूव टू बॉम्बे एंड आई विल परस्यू दिस एज फुल टाइम. फैमिली से कितना सपोर्ट मिला आपको? फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, जबकि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ. हाँ, जब मैं थिएटर वगैरह कर रही थी दिल्ली में अपने कोर्स के साथ, तो कई बार लेट तक रिहर्सल चलती थी, तो थोड़ा सा उनको रिजर्वेशन होता था कि भाई अकेली आएगी जाएगी, और दिल्ली आप जानते ही हैं कितना मतलब डर सभी को लगता है माँ बाप को कि भाई लड़की अकेली कॉलेज से फिर थिएटर रिहर्सल करके वापस आएगी. तो थोड़ा बहुत था, लेकिन खुशी इस बात की जब उन्होंने पहली बार मुझे स्टेज पर देखा, मैंने मोनोलॉग किया था एज अ पूरा 1.5 घंटे का, तो उन्हें भी समझ में आ गया कि हाँ इसमें टैलेंट है और हमें इसे रोकना नहीं है. और माय मॉम एंड डैड वर वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट. जब मैंने उनको ये बोला कि मतलब मैं फुल टाइम एक्टिंग ही करूँगी और वो, तो उन्होंने कहा कि हाँ जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो.